दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए डुगडुगी बज चुकी है। चुनाव में सभी नागरिक अवश्य अपना वोट दें। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। और इसी के साथ सियासी गर्माहट दिखने लगी है। जनता जनार्दन को लुभाने के लिए सियासतदान दिन रात एक करने लगे हैं। आज पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार, अब की बार 400 पार। भारतीय लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, लिहाजा लोकतंत्र के उत्सव पर पूरे विश्व की नजर है। हर कोई इंतजार कर रहा है अब की बार किसकी सरकार। पूरे दमखम और प्लानिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, यानी देश की चारों दिशाओं को नाप रहे हैं। जनता जनार्दन के बीच था, बीजेपी और मोदी को, एनडीए और मोदी को, ये जो जन समर्थन मिल रहा, तो वहीं राहुल गांधी अपनी यात्रा के जरिए लोगों को साथ रहे हैं। हमारी सरकार आएगी, इंडिया की सरकार आएगी। नामांकन की भी शुरुआत हो गई है। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। फर्स्ट फेज के लिए नेता पसीना बहा रहे हैं। 19 अप्रैल को 102 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। 26 अप्रैल को 89 सीट के लिए, 7 मई को 94 सीट के लिए, 13 मई को 96 सीट के लिए, 20 मई को 49 सीट के लिए, 25 मई को 57 सीट के लिए और 1 जून को 57 सीटों के लिए मतदान होगा। यानी पहले फेज से लेकर आखिरी फेज तक वोटिंग 44 दिन तक चलेगी और काउंटिंग के दिन को जोड़ दें तो ये 47 दिन हो जाएगी, जो अब तक का दूसरा सबसे लंबा चुनावी कार्यकाल है। पंद्रह अगस्त 1947, भारतीय इतिहास का ऐतिहासिक दिन है। इस दिन ब्रिटिश हुकूमत की दास्ता से देश आजाद हुआ था। तब किसने कल्पना की होगी संसदीय लोकतंत्र अपनाकर हम दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया वाला देश बन जाएंगे। 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए करीब 97 करोड़ मतदाता का बंधन समूची दुनिया को सुखद आश्चर्य में डालने वाला है। लगभग हर आम चुनाव के समय हम सबसे बड़े मतदाता समूह और चुनावी ढांचा वाले देश के रूप में जाने जाते हैं। आज हम अपनी चुनावी प्रणाली और लोकतंत्र की चाहे जितनी खामियां निकालें, लेकिन जब अतीत में लौटकर विचार करते हैं तो इसे अविश्वसनीय उपलब्धि के रूप में पाते हैं। 15 अगस्त 1947 को आजाद भारत में पहली बार देशवासियों ने सूर्य की किरण देखी और इसके करीब 4.25 साल बाद हिंदुस्तानियों ने पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पच्चीस अक्टूबर 1951, ये वो दिन है जब आजाद भारत में पहली बार वोटिंग हुई थी। हिमाचल प्रदेश के चीनी तहसील में देश में पहली बार मतदान हुआ। मौसम और बर्फबारी की वजह से सबसे पहले चुनाव यहीं पर कराए गए थे और तब से लेकर अब तक मतदान के मिजाज में वक्त वक्त पर बदलाव भी देखे गए। 1952 से लेकर 2024 तक मतदान प्रक्रिया में भी कई सारे
चेंजेस आए, बदलाव आए और इन तमाम बदलाव को अपने आप में समाहित करते हुए भारतीय लोकतंत्र और मजबूत बनता चला गया। साथ ही आम लोगों की भागीदारी की बात की जाए या खर्च, इसमें भी इजाफा देखा गया। लोगों ने अपने मताधिकार का वक्त वक्त पर इस्तेमाल किया। अठारहवीं लोकसभा चुनाव की रणभेरी के साथ इन दिनों दो लोकसभा चुनावों को खास तौर पर याद किया जा रहा है। देश का पहला आम चुनाव जब मतदान में 120 दिन लगे थे और साल 1980 का लोकसभा चुनाव जिसके मतदान में महज 4 दिन लगे थे। आज मतदान के 120 दिन के बारे में सोचकर जितना आश्चर्य होता है उससे कहीं ज्यादा आश्चर्य 4 दिन में संपन्न मतदान के बारे में विचार करने से होता है। '51-'52 में 120 दिनों तक मतदान हुआ था, जबकि 1977 में 5 दिन तक वोटिंग प्रक्रिया चली थी। 1980 में अब तक का सबसे कम दिन यानी महज 4 दिनों तक मतदान हुआ था। 1991 में 16 दिन तक मतदान चला था। 2004 में 20 दिन तक वोटिंग प्रक्रिया चली थी। 2009 में इसमें इजाफा हुआ और 26 दिन तक मतदान हुआ। 2014 में मतदान के दिन बढ़कर 35 दिन तक पहुंच गए और 2019 में 7 चरणों तक चली वोटिंग प्रक्रिया में 37 दिन लगे थे, जबकि 2024 में 44 दिन तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। यानी 1952 के बाद ये अब तक की सबसे ज्यादा दिन तक चलने वाली वोटिंग प्रक्रिया होगी। 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक करीब 4 महीने तक देश में पहला लोकसभा का आम चुनाव चला। भारत अंग्रेजों द्वारा लंबे समय तक लूटा हुआ एक गरीब देश जरूर था, लेकिन इसके इतर भारत ने पहले चुनाव के साथ विश्व के तमाम लोकतांत्रिक देशों में खुद को एक लोकतांत्रिक शक्ति के तौर पर स्थापित किया। न सिर्फ दुनिया के बड़े देश बल्कि तमाम अन्य देश भी ये बात मानते हैं, स्वीकारते हैं कि भारत के बिना दुनिया अधूरी है और भारत के एक के चुनाव में यूं तो सभी पार्टियां जनसभा के जरिए और घर घर जाकर प्रचार कर रही थीं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी अकेली थी जिसको रेडियो पर प्रचार करने का मौका मिला, वो भी आकाशवाणी पर नहीं बल्कि रेडियो मॉस्को पर। इस रेडियो स्टेशन ने ताशकंद में ट्रांसमीटर के जरिए कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव प्रचार किया। 1952 के पहले आम चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक पहुंचते पहुंचते देश में कई महत्वपूर्ण बदलाव हो चुके हैं। सबसे बड़ा बदलाव मतदाताओं की उम्र और उनकी संख्या को लेकर हुआ है। पहले लोकसभा चुनाव के दौरान 21 वर्ष की उम्र तक के लोगों को ही वोट देने का अधिकार था, मगर अब 18 वर्ष तक की आयु के लोग मतदान करते हैं। 1952 में जहां 10 करोड़ से कुछ ज्यादा रुपए खर्च हुए थे, तो 2024 के चुनाव आते आते ये खर्च 500 गुना होने का अनुमान है। 1952 के लोकसभा चुनाव में 10 करोड़ 50 लाख रुपए का खर्च हुआ था, जो 1957 में घटकर 5 करोड़ 70 लाख रुपए हो गया। 1962 में ये फिर बढ़ा, 7 करोड़ 30 लाख रुपए हुआ। 1967 में 10 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च हुए। 1971 में 11 करोड़ 60 लाख रुपए, 1977 में 23 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 1977 के बाद 1980 में चुनाव हुए, यानी महज 3 साल बाद, लेकिन खर्च करीब 2.5 गुना बढ़ गया। चुनाव प्रक्रिया में 54 करोड़ 80 लाख रुपए का खर्च आया। 1984-85 में 81 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च हुए, जबकि 1989 में 154 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हुए। 1991-92 में 359 करोड़ रुपए का खर्च आया। 1996 में 597 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। दो साल बाद यानी 1998 में फिर से चुनाव हुए और खर्च बढ़कर 666 करोड़ रुपए हो गया। वहीं 1999 में हुए चुनाव में 947 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2004 के चुनाव में 1016 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2009 के चुनाव में 1114 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और 2014 में चुनाव पर होने वाला खर्च बढ़कर 3870 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा।
2019 के चुनावी खर्च के बारे में चुनाव आयोग की तरफ से ब्यौरा नहीं दिया गया, लिहाजा 2019 के वास्तविक खर्च के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन 2024 के आम चुनाव में खर्च 5000 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। 2009 के बाद खर्च में कई गुना बढ़ोतरी की वजह ईवीएम और वीवीपैट की खरीद को बताया जा रहा है। देश में पहले आम चुनाव में जहां प्रति मतदाता महज 60 पैसे खर्च हुए थे, 2014 के चुनाव आते आते प्रति मतदाता खर्च में कई गुना बढ़ोतरी हो गई, प्रति मतदाता 46 रुपए खर्च हुए थे और 2024 के चुनाव में प्रति मतदाता 51 रुपए खर्च होने का अनुमान है। चुनाव खर्च में सियासी दलों के तमाम खर्चों को अगर जोड़ लिया जाए तो ये कई हजार करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। पिछली सदी के चुनाव में इतना खर्च नहीं होता था, लेकिन आर्थिक उदारीकरण के बाद चुनाव खर्च काफी बढ़ गया है। अलग अलग आकलनों के अनुसार 1999 के लोकसभा चुनाव में सियासी पार्टियों के खर्च को जोड़ दें तो 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। आज भले ही ईवीएम के जरिए वोटिंग हो रही है, जिससे प्रशासन से लेकर आम लोगों तक काफी सहूलियत मिल रही है, लेकिन 1952 में हुए आम चुनाव विपरीत हालत में हुए थे। उस समय पूरे देश में चुनाव कराना एक जटिल प्रक्रिया थी, सब कुछ नया भी था। भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। चुनाव आयोग के पास बड़ी जिम्मेदारी थी। देश का पहला आम चुनाव 68 चरणों में कराया गया था। घर घर जाकर मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन कराया गया। मतदाताओं की निरक्षरता को देखते हुए पार्टी और उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह की व्यवस्था की गई। पोलिंग बूथ पर हर पार्टी के लिए अलग मत पेटी की व्यवस्था की गई। पहला आम चुनाव 68 चरणों में संपन्न हुआ था। 1952 से लेकर 2024 यानी 72 साल में कई सारे बदलाव देखे गए, मगर सबसे बड़ा परिवर्तन 1990 के दशक के अंत में आया, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की शुरुआत की गई। उससे पहले बैलेट पेपर से मतदान के वक्त जबरदस्त धांधली होने लगी थी। मत पेटियों की लूट से लेकर बूथ कैप्चरिंग के जरिए ठप्पा मार वोटिंग तक हर बार चुनावों में चुनावी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली खबरें सुर्खियां बटोर रही थीं।